हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। तो आ गई हूँ मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी लेकर, जो कि है बेसन के कोफ्ते। ये बहुत ही डिलीशियस बनकर के रेडी होते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी सब्जी नहीं है बनाने के लिए, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसन के कोफ्ते बनाने के लिए मैंने ये पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए। तो जब तक हमारा पानी जो है बॉईल होता है, हम तब तक जो है हमारे कोफ्ते का जो मसाला है वो बना करके रेडी कर लेते हैं। तो अभी जो है एक बाउल में मैंने बेसन ले लिया है। ये बेसन जो हमारा लगभग 300 ग्राम बेसन है। तो ये जो है बेसन है ये हमारे 5 से 6 लोगों के लिए इनफ है। तो अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा ले लें। तो ये जो है प्याज है, एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है मैंने, जिसे बारीक चॉप कर लिया है अच्छे से। ये जो है हरी मिर्च है, ये 3 हरी मिर्च है हमारा, और जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, तो इसे भी ऐड कर देंगे हम। तो ये जो है मैंने ज़ीरा ले लिया है 1 चम्मच। अब जो है मैं नमक ले रही हूँ, ये नमक मैंने 1 छोटी चम्मच लिया है। आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं नमक। ये जो है आधी छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। ये जो है लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने 1 छोटी चम्मच। तो मैंने लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों डाला है। आप चाहें तो सिर्फ लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं या फिर खाली हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। ये जो है मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच। तो अब जो है मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। ये चाट मसाला आप ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारे कोफ्तों में। और आप चाहें तो इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो है ये मैंने अदरक लिया है, जिसे कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है अदरक आप कद्दूकस करके डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो 1 चम्मच अदरक ले लिया है मैंने। और ये जो है मैं 2 चम्मच के करीब ऑयल ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि ऑयल से जो है हमारे कोफ्ते जो है बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार होंगे। तो आप चाहें तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी हमारे कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो अब जो है हम इसका एक डो बना करके रेडी करेंगे, और हमें अच्छा टाइट डो लगाना है इसका। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे और अच्छा टाइट डो बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और आप ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो हमारा थोड़ा भी अगर जो ये बेसन का बैटर है वो लूज़ हो जाएगा, तो हमारा जो कोफ्ता है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करना है। तो ये देखिए हमारा डो एकदम बन करके रेडी है। आप देख सकते हैं कोफ्ते का जो मसाला है वो बन करके हमारा रेडी हो चुका है। तो लगभग हमें इसे गूंदने में 1/2 कप के करीब पानी लगा है। तो अब जो है हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ले लेंगे मसाला हमारा, और इसको जो है गोल शेप में हम बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये इस तरीके से हम कोफ्ते बना करके रेडी कर लेंगे हमारे। तो इस तरीके से हम सारे कोफ्ते जो है बना करके रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे कोफ्ते बन करके रेडी हो चुके हैं, और 300 ग्राम बेसन में हमारे इतने कोफ्ते बन करके रेडी हुए हैं। और ये जो है पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो अब एक एक करके हम इसमें कोफ्ते डालेंगे हमारे। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि कोफ्ते डालने के बाद हमें लगभग 2 से 3 मिनट इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद हमें इसे हिलाना है, चलाना है, और इसे लगभग 15 से 17 मिनट हमें बॉईल करना है अच्छे से, क्योंकि ये कोफ्ते जो है हमारे गोल हैं और अंदर से अच्छे से बॉईल होने चाहिए। इसलिए हमें लगभग इसे 15 से 17 मिनट करीब बॉईल करना है, और इसे बिल्कुल भी ढकना नहीं है बॉईल होते टाइम, नहीं तो जो है ये अच्छे से बॉईल नहीं हो पाएंगे इसीलिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग हमारे 15 से 17 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारे जो कोफ्ते हैं वो बॉईल हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल इसमें अच्छे से बबल्स आ जाने चाहिए जब तक हमें इसे बॉईल करना है।
लगभग 15 से 20 मिनट लग गए हैं मुझे इसे बॉईल करने में। तो अभी जो है ये सारे कोफ्ते हमने निकाल लिए हैं, और जो इसका पानी है जिसमें हमने कोफ्ते बॉईल किए हैं, इस पानी को हमने बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। इसे जो है हम ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे। तो अभी इसे अलग निकाल लेते हैं हम, और जो है कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं हमारे। तो हमने जो है पानी अलग बर्तन में हमारे निकाल लिया है, तो अब जो है हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। तो मैंने नॉर्मली जो है रिफाइंड ऑयल लिया है, और 3 चम्मच में इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो 3 चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। तो अब जो है इस ऑयल को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे सबसे पहले। तो ये देखिए हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम धीरे धीरे हमारे कोफ्ते फ्राई करेंगे। तो मैंने जो है इसका पानी अच्छे से सुखा लिया था, उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ। आप भी अच्छे से इसका पानी जो है सुखा लें, नहीं तो आपका तेल जो है पूरा उड़ जाएगा। अगर कोफ्ते थोड़े भी गीले होंगे तो आप पहले कोफ्तों को अच्छे से सुखा लें, उसके बाद जो है ऑयल में फ्राई करने के लिए डालें, नहीं तो आपको जो है जलने का डर हो सकता है इसीलिए। तो मैं जो है कोफ्ते बना रही हूँ, इसीलिए मैंने जो है इसका गोल शेप दिया है। आप चाहें तो इसका कोई भी शेप दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसे बॉईल होने के बाद बीच से 2 हिस्सों में इसे काट लीजिए, और फिर इसके बाद इसे फ्राई कीजिए, तो आपको खाने में भी थोड़ा इजी रहेगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो अब जो है हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अच्छे से, आप देख सकते हैं। तो हमारे कोफ्ते जो है फ्राई हो करके रेडी हो चुके हैं अच्छे से। तो आप जो है हम इसे निकाल लेंगे। तो ये सारे कोफ्ते मैंने जो है निकाल लिए हैं। तो हमारा ऑयल जो है गर्म ही है, तो इसमें हमारे कोफ्ते बनाना हमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये दो दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, 4-5 लौंग लिया है, 4-5 काली मिर्च ले लिया है, और ये तेजपान के पत्ते ले लिया है 3 मैंने। तो आप अपने अनुसार जो है खड़े गरम मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये खड़ा गरम मसाला मेरा हो चुका है, तो इसमें मैंने जो है प्याज ऐड कर दिया है। तो आप जो है इसमें हरी इलायची या बड़ी इलायची भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए प्याज जो है हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो अब जो है मैं इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छे से भूनेंगे। आप ध्यान रखें कि जब भी आप कोई मसाले वाली चीज़ बनाते हैं, तो आप अदरक लहसुन को डालने के बाद उसे लगभग 1 से 2 मिनट भून लें, क्योंकि अदरक लहसुन का जो स्मेल होता है वो अच्छे से चला जाए, और हमारी सब्जी में जो है अदरक लहसुन का स्मेल ना आए। तो आप हमेशा जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद उसकी जो है 1-2 मिनट भुनाई कर लीजिए। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा भुना चुका है। तो ये जो है मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, और एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, और उसे जो है मैंने पेस्ट बना लिया था, तो उसे ऐड कर रही हूँ मैं। तो इसे मैंने ऐड कर दिया है अभी। तो अब जो है हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और इसे लगभग 3 से 4 मिनट अच्छे से भून लेंगे इस मसाले को। तो ढक देंगे अभी हम, और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे 3 से 4 मिनट। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट मेरे हो चुके हैं, और ऑयल कितना अच्छे से इसमें ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे हमारे। तो सबसे पहले जो है मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो लाल मिर्च पाउडर मैंने जो है करीबन 2 चम्मच ऐड किया है इसमें। तो आप मसाले जो है ध्यान से ही डालें, क्योंकि हमारे कोफ्ते में भी जो है हमने सब मसाले ऐड किए हैं। तो ये जो है 1 चम्मच मैं नमक ऐड कर रही हूँ इसमें, आप स्वाद अनुसार ले लें नमक। आधी छोटी चम्मच मैं हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ इसमें। ये धनिया पाउडर लिया है मैंने, ये 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ मैं धनिया पाउडर। और अब अच्छे से हम जो है इसे चला लेंगे, और हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसे लगभग हम 3 से 4 मिनट और भून लेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसे थोड़ा सा भून लिया था, तो हमें अब ज़्यादा वक्त जो है नहीं लगेगा इसे भूनने में। तो 3 से 4 मिनट हम उसे और भून लेंगे। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट मेरे हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से जो हमारा मसाला है वो भून करके रेडी हो चुका है, ऑयल कितने अच्छे से इसमें ऊपर आ चुका है। तो अब जो है हम एक एक करके इसमें हमारे कोफ्ते ऐड कर देंगे।
तो कोफ्ते ऐड करने के बाद हम लगभग इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे चलाते हुए, क्योंकि जो हमारे कोफ्ते हैं उसमें अच्छे से हमारा मसाला जो है मर्ज हो जाए, तो इसीलिए हम जो है कोफ्तों को अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम चलाते हुए इसे लगभग हल्का सा इसमें पानी डालेंगे हम, और इसे लगभग हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे ताकि हमारे कोफ्ते अच्छे से मसाला उसमें चढ़ जाए। तो 2 से 3 मिनट हमारे हो चुके हैं और हमारे कोफ्तों में अच्छे से मसाला चढ़ चुका है, आप देख सकते हैं ये देखिए, और एकदम सॉफ्ट भी हो गए हैं हमारे कोफ्ते। तो अब जो है हम हमारी इच्छा के अनुसार इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, जितना भी आपको सूप चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। तो इसमें जो है मैं जिसमें हमने कोफ्ते बॉईल किए थे वो वाला पानी ऐड कर रही हूँ, तो वो पानी जो है मैंने इसमें सारा ऐड कर दिया है। तो आप अगर इसे चावल के साथ खा रहे हैं तो इसमें जो है सूप ज़्यादा कर लीजिए। तो ये जो है मैं इसमें लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, तो आप हमेशा जो है पिसा हुआ गरम मसाला लास्ट में ही ऐड करें तो उसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है इसीलिए। तो अब हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट और पका लेंगे ताकि हमारा पानी जो है अच्छे से पक जाए, बस इतनी ही देर हमें इसे पकाना है। और तो हम इसे ढक देंगे और लगभग 2 से 3 मिनट हमें और कुक कर लेना है इसे, और बस हमारे कोफ्ते जो है बन करके रेडी हो जाएंगे। तो अब जो है हमारे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हमारे कोफ्ते हम चेक कर लेते हैं। वाओ फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे कोफ्ते कितने डिलीशियस बन करके रेडी हुए हैं, और कोई बोल ही नहीं सकता कि हमने इसे बेसन से बना करके रेडी किया है। तो अब जो है मैं इसमें पुदीना पत्ता ऐड कर रही हूँ, तो इससे जो हमारी डिश का टेस्ट है दुगना हो जाएगा। अगर आपके पास पुदीना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धनिया पत्ता ऐड कर दें। तो अब जो है हमारी डिश को हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी डिश एकदम रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये बेसन कोफ्ता की रेसिपी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, आगे भी मैं आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देती रहूँगी। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।